मोरे जिया। मामा वो स्वाधीनता को मैंने बुलाया था यहाँ पैकेट्स डिलीवर करने। एक्चुअली वो पैकेट्स गलती से ऑफिस में डिलीवर हो गए थे। उसका फोन आया मुझे ये बताने के लिए, कोई था नहीं लेके आने के लिए, इसलिए मैंने उसे कह दिया। वो तो अच्छा हुआ, गलत फहमी तो दूर हो गई। और ये पैकेट्स ऑर्डर किसने किए थे? ऑर्डर तो मैंने ही किए थे मामा। और ऑफिस के एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए कहा था? नहीं, एड्रेस मैंने घर का ही दिया था, बट आई डोंट नो कि ऑफिस का एड्रेस किसने। और ये एनवेलप यहाँ कैसे आया? एनवेलप तो मामा कोरियर बॉय लेकर आया था, मैंने ही कलेक्ट किया उसे। मेरा पूछने का मतलब है कि ये एनवेलप यहाँ सबके बीच में कहाँ से आया? मैं वहाँ थी, मैंने उसे टेबल पे रखा था, पर उसके बाद मैं फिर चली गई थी किसी काम से, एंड आई डोंट नो कि वो वहाँ से थाल में कैसे पहुँचा। मैं जानती हूँ थाल में तुमने नहीं रखा। थाल में एनवेलप किसने रखा सिंह? मॉम मुझे क्या पता, मुझसे आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि थाल को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। थाल में एनवेलप तुमने रखा? लेकिन मैं तो यकीन ही मॉम। झूठ बोल रही हो। मैंने खुद तुम्हें एनवेलप थाल में रखते हुए देखा। मॉम मैं सच कह रही हूँ, मैं तो यहाँ थी नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा तुम्हें रखते हुए। गलत देखा है मॉम आपने, मैं कह रही हूँ ना मैं यहाँ नहीं थी और आप भी तो यहाँ नहीं थी। जब वो एनवेलप आया, जब भाभी ने जब वो टेबल पर एनवेलप रखा तो आप बैठकर बातें कर रही थी ना, आप भी तो यहाँ नहीं थी। तो तुमने जया को एनवेलप लेते हुए देखा और वहां टेबल पर रखते हुए देखा। हाँ देखा, तो उसमें क्या? प्रकाश जी मैम, मैंने आपसे टेबल पे से फिजूल का सामान हटाने के लिए कहा था, हटाया था आपने? जी मैम कर दी थी। आपने उस वक्त वहां पर लिफाफा देखा था? लिफाफा? नो मैम। आपने देखा था? नहीं मैम। जाइए आप लोग काम कीजिए। ओके मैम। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि सिर्फ तुमने जया को एनवेलप लेते हुए देखा और टेबल पर रखते हुए देखा और उसके बाद एनवेलप सीधा थाल में पहुंच गया। हाँ मैंने जया भाभी को वो एनवेलप टेबल पर रखते हुए देखा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एनवेलप उठाकर मैंने वह थाल में रख दिया। ठीक कह रही हो, कड़ियां धीरे धीरे ही जुड़ती हैं, जुड़ जाएंगी है ना? आप मोहित आइए आइए, आप सुबह से तस्वीरें खींच रहे हैं, देखिए क्या कमाल की तस्वीरें खींची हैं आपने। दिखाइए। थैंक यू। जरा देखो अभी ना। ये देखिए मॉम, ये
ये एनवलप तो इस बच्चे ने लिया है और आप बेकार में मुझे तो फिर ये इस बच्चे से ही पूछा जाए, सच तो वही बताएगा। कहाँ है ये बच्चा? ये बच्चा तो ये चला गया शायद। कोई बात नहीं, तस्वीरें तो और भी हैं। यहाँ देखो, तुमने जया से कहा। अब भाभी आप जाइए ना, दूसरे गेस्ट को देखिए ना, मैं लेकर आती हूँ ना ये संभाल के। आप जाइए, तब तक दूसरी तैयारी कीजिए। जैसे ही जया निकली, तुम्हारी आंखें उस बच्चे को तलाश करने लगी जिसके हाथ में वो एनवलप था। और जैसे ही वो बच्चा दिखा, तुमने वो एनवलप लिया और थाल में रख दिया। मॉम, वो तो मैं आसपास के लोगों को देख रही थी, मुझे नहीं पता ये बच्चे के हाथ में एनवलप, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मॉम, पंडित जी, वो जब आप तारीख निकालने वाले थे तो आपके सामने एक मिठाई का डब्बा रखा था, फिर भी आपने दूसरे डब्बे की मांग की, क्यों? क्योंकि जो डब्बा मुझे दिया गया था उसमें से एक मिठाई का टुकड़ा कोई निकाल चुका था। शगुन का डब्बा अनछुआ होना चाहिए। आ गया यार। ले लीजिए अपना कैमरा, ले लीजिए। थैंक यू। और ये पैकेट्स भी ऑफिस में तुमने ही ऑर्डर किए थे, जिससे कि स्वाधीनता उन्हें यहां तक ला सके और जो तुम चाहती हो वो हो जाए। और वो कुरियर, उस कुरियर को घर भेजने वाली भी तुम ही हो सिमी। अगर जोड़ूंगी तो सारी कड़ियां जुड़ जाएंगी। जोड़ू? हाँ हाँ, जोड़ दीजिए सब कड़ियां। मैं भी जोड़ सकती हूँ। आदर्श भैया ने तब भी झूठ बोला था जब पापा के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, और आदर्श भैया अब भी झूठ बोल रहे। पापा के खिलाफ इस घर में पता नहीं क्या क्या होता है, हमेशा उन्हें बेइज्जत किया है, तब भी झूठ दी कड़िया आप। मॉम, जस्ट एनफ एंड शट अप नाउ। आई एम सॉरी बेला साहब, मीना जी, ये सब बहुत एम्बैरेसिंग है मेरे लिए। तरह से अपने परिवार और अपने घर का खुलासा आप लोगों के सामने करना पड़ा, बट जरूरी था। आदर्श का सच सामने लाने के लिए ये सब जरूरी था। तो आप लोगों के मन में शायद शक बना रहता और I'm sorry। और हमारा भरोसा रखिए, आदर्श कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमें शर्मिंदगी हो। सॉरी मॉम, काश मैं आपको सच बोल पाता तो आज ये सब नहीं होता। मोरे जिया।